राकेश टिकैत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सबसे बड़ा चेहरा इस आंदोलन के राकेश टिकैत। बड़ी जीत आपके आंदोलन की, प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापसी का ऐलान कर दिया है। तो धन्यवाद देना प्रधानमंत्री को। बिल्कुल ऐलान कराया है उन्होंने, लेकिन ये है कि पार्लियामेंट में आ जाए, वहां से कागज पत्र मिल जाए, एमएसपी पे क्या उनका कहना है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, आगे कमेटियां बनेगी, क्योंकि मसले तो बहुत आएंगे ना। ऐसा नहीं कि हम सरकार से पूरा विरोध करके हम जाए आके फिर आने के रास्ते ही हम बंद कर जा, एक बातचीत का रास्ता भी खुला है। जो मसले रहेंगे वो बातचीत से समाधान होगा। जो पहले 22 जनवरी को जो बातचीत हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि ये मामले वापसी हो जाएंगे सारे, आगे कमेटी बनेगी, जो दूसरे मामले होंगे जाएंगे, दूध का है, सीड का है या बिजली के हैं, तो ये सारे होंगे। और तो वहां पर अगर कमेटी बन जाए तो आप सरकार से बंद कमरे में अक्रॉस द टेबल बात करने के लिए तैयार हैं या अभी? बिल्कुल बात अब... लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि एमएसपी पे हम कमेटी बनाएंगे, एमएसपी में कमेटी नहीं, एमएसपी को भी गारंटी कानून बनाओ और उसके बाद में फिर कमेटियां बनाओ आप, क्योंकि तो अभी एमएसपी के कानूनी गारंटी का आप इंतजार करेंगे, बॉर्डर पर डटे रहेंगे या जिस कहीं हम कहीं नहीं जा रहे जी। इतने उतावला किसान नहीं है कि हम घर जा लेंगे, हम अपने कागज पत्र साथ लेकर जाएंगे। तो कागज पत्र शीतकालीन सत्र में संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो जाती है, संसद ने कानून बनाए, संसद मोहर लगा देती है कि अब ये कानून निरस्त, ये रद्द हो जाते हैं, तो आप बॉर्डर से हटेंगे कि नहीं, सीधा सवाल है। और ये कमेटी तय करेगी एमएसपी पे क्या है। आज हमारी 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है दिल्ली में, हम तो महाराष्ट्र में है पालघर में, तो वहाँ पे आज मीटिंग में सब लोग रहेंगे, 9 मेंबरी की मीटिंग है और हो सकता है कि इमरजेंसी में सारी मीटिंग बुलवावे आज। हाँ, 9 मेंबर कमेटी की आपकी बैठक है, उसमें अंतिम फैसला होगा। लेकिन यहाँ पे जो तपस्या की बात की प्रधानमंत्री ने, उन्होंने माना कि मैं नेक नियति से ये फैसला लेकर आया था, ये कानून लेकर आया था, लेकिन मैं किसान भाइयों को नहीं समझा पाया तो आज मैं इसे वापस लेता हूँ। अपने आप में पिछले 7 साल में भूमि अधिग्रहण बिल के अलावा आप देखें, ये सरकार की तरफ से एक अप्रत्याशित कदम है राकेश टिकैत। नहीं नहीं, तो भाई 60% 65% तो देश का किसान है ना, उनकी भी तो बात आप सुनोगे। अगर एक बात को मनवाने में हमको 1 साल लगा तो अगले और चीजें मनवाने में तो पूरी जिंदगी चली जाएगी। हमें उसके लिए बॉर्डर पर बैठने की जरूरत पड़ेगी, नौबत बनी रहेगी, या आप कमिटीज के सामने सरकार के साथ बात करेंगे, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो, बिजली संशोधन विधेयक की बात हो। वैसे तो बिजली संशोधन विधेयक तो 4 दिसंबर पिछले साल उस पर घोषणा हो गई थी कि हम वापस ले रहे हैं बिजली संशोधन विधेयक को, वो कागज पत्र तो उसके भी नहीं दिए ना। ये सारी बातचीत सरकार से होगी, ऑन टेबल अब सरकार को आना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए अब सरकार को, तो अब माहौल सुधरेगा। जो भरोसे की कमी दोनों तरफ की दीवार बन गई थी, वो बर्फ पिघली है ना किसानों और सरकार के बीच। बर्फ पिघली है, बर्फ तो पिघलेगी, अभी तो वो खेतों में पानी आएगा, बर्फ पिघलेगी। हाँ, तो बर्फ पिघली है, बातचीत के लिए माहौल भी अब तैयार होता दिख रहा है। अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर क्या बात होती है, इस पर अभी हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। राकेश टिकैत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।